दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस करेले की सब्जी। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सिंपल स्टेप्स के बाद बनाएंगे। बिल्कुल इसका जो कड़वापन है बिल्कुल कम रहेगा और आप सभी को खाने में भी पसंद आएगा। सबसे पहले करेले को हमने इस तरह से गोल शेप में ही काट दिया, थोड़ा पतला पतला काटा है, देख सकते हैं आप कितना पतला है। इसी तरह से पतला पतला हम इसे काट के अलग रख लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक के साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, करेला हल्का सा पानी छोड़ेगा, नमक डालते ही ये पानी छोड़ने लगता है, तो पानी छोड़ेगा तो इसका थोड़ा सा कड़वापन ऐसे ही कम हो जाएगा। ये देखिए, इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर दें और 10 मिनट के लिए हम इसे साइड में रख लेंगे। 10 मिनट बाद आप देखोगे कि इसमें अच्छा खासा पानी निकल आएगा। देखिए, कम से कम 1 टेबल स्पून पानी इसमें से निकल जाएगा। ये पानी आप अलग कर लें। अब हम एक पैन ले लेंगे। पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। इसके बाद जो करेले हमने रखे हैं उन्हें हमें फ्राई करना है। तो दोस्तों करेले एक साथ मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा हुए तो हमारे अच्छे से फ्राई होकर तैयार नहीं होंगे, इसलिए हम आधे आधे करके आधा करेला फर्स्ट और बाद में आधा करेला फ्राई करेंगे। इसे आपको तेज आँच पर ही फ्राई करना है ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए। हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा फ्राई होगा तभी ये पक जाएगा, क्योंकि पतला पतला सा हमने काटा है। इसका रंग जो है वो एकदम गोल्डन होए तब तक ही हमें पकाना है। इसे पकने में कम से कम 5 मिनट का टाइम मिनिमम लगेगा। ये देखिए, 5 मिनट में आप देख सकते हैं करेला का रंग बिल्कुल चेंज हो गया, हल्का सा गोल्डन हो चुका है। और इससे अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे अलग से बर्तन में आप निकाल के साइड में रख लें। अब जैसे कि हमने 2 ट्रिप करने थे तो दूसरा जो ट्रिप है वो भी करेले का हम डाल देते हैं। इसे भी फ्राई करके ले लेंगे। अब उसी पैन में हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है दोस्तों, उसी पैन में हमने 1/2 चम्मच जीरा डाला, साथ ही साथ मैंने बारीक कटी हुई अदरक और लहसुन डाली है। मैंने कम से कम 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली और छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है। उन्हें अच्छे से हम भून लेते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे स्लाइसिस में कटे हुए प्याज। तो प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए, प्याज थोड़े ज़्यादा लेते हैं दोस्तों ताकि वो हमारे जो करेले का कड़वापन है वो बैलेंस हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि करेला हमारा कड़वा नहीं लगेगा, तो ये थोड़ा सा प्याज हमने ज़्यादा लिया है। और प्याज को हल्के से जो कलर लूसेंट हो जाए, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। बहुत ज़्यादा पका के गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रिस्पी रहना चाहिए। जैसा हमारा करेला थोड़ा क्रिस्पी है उसी तरह से ये भी इसी तरह से रहना चाहिए। थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और रंग चेंज हो जाए तब तक हमें पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट के अंदर हम इसे हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये जो हमारा मसाला है थोड़ा सा क्रीमी, थोड़ा सा ग्रेवी जैसा हो जाए और हमारा जो करेला है उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखो बिल्कुल कम, 1 टेबल स्पून पानी डाला हमने हल्का सा। अब हम इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालते समय दोस्तों बहुत ध्यान रखना, हमने ऑलरेडी करेले में नमक ज़्यादा डाला है ताकि उसका कड़वापन और पानी निकल गया है, तो उसी हिसाब से आप बैलेंस करके नमक डालिएगा। इसके बाद जो हमने फ्राई करके करेले रखे हैं वो करेले ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। यहाँ देखो करेले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम धीमी आंच पे थोड़ी देर इसको पकने देंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 टेबल स्पून बहुत ही कम पानी हल्का सा साइड में डाल देंगे ताकि ये नीचे से मसाले जले ना, और ढक के 2 से 3 मिनट और पकने देंगे। बस दोस्तों, तो ये बनके तैयार है। देखिए एकदम परफेक्ट बना है। अच्छे से इसमें एक बार मिक्स कर दें और देखिए हमारी जो करेले की सब्जी है तैयार है। प्लीज़ इसे एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई करना, आपको बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। चपाती और चावल दोनों के साथ ये बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगती है, तो ये ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा दोस्तों। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।